Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. इस वक्त आपसे बात हो रही है, बात करने जा रही हूँ कि मानक विचलन कैसे निकाला जाएगा. हम लोग आजकल स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं. हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो कि होती हैं कौन कौन सी, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये निकाली कैसे जाती हैं वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए. फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ कम पड़ती है, कहाँ उसमें कौन सी एरर है जो नहीं उसको कवर कर पाती, तो हमको मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के पास जाना पड़ता है. विचलनशीलता की माप, तब हमको पता चलेगा डेटा कितना स्प्रेड आउट है, कैसे है, कहाँ ज़्यादा संगठित है, एक्सट्रीम स्कोर्स क्या हैं, ये सारी बातें. तो वो कौन कौन सी होती हैं, वो आपकी मेनली होती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज, जिसमें से मतलब आपका मानक विचलन, चतुर्थांश विचलन और परास है ना. तो जिसमें से क्वार्टाइल डेविएशन पर आपसे बात हो गई है कि कैसे निकाला जाता है, डिस्कस आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर लिया है, बस उसका फॉर्मूला और कैसे उस पर आधारित सवाल लगाने, ये देखना है. तो बात करते हैं शुरू. मानक विचलन हमेशा की तरह पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, फिर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए. तो अवर्गीकृत आंकड़ा यानी कि आपको सिर्फ कुछ स्कोर्स दिए होंगे, कोई क्लास इंटरवल नहीं होगा. तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस डी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन. एक्स क्या है, एक्स डेविएशन है, और सारे डेविएशन का स्क्वायर कर दिया गया है, उसको जोड़ लिया गया है, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ स्कोर्स थे उनसे भाग दिया जाएगा, और जो भी आएगा उसका वर्गमूल अंडर रूट निकाल लेंगे तो आ जाएगा. जैसे आपको आगे की टेबल में पता चलेगा, पहले देखती है टेबल, देखिए ये स्कोर्स हैं 8 नंबर के, ये इनके डेविएशन है मीन से, और ये डेविएशन का स्क्वायर है. तो मीन कैसे आया, मीन ऐसे आया कि सारा जितना स्कोर था जोड़ा तो 480 आ रहा था, कितने नंबर ऑफ स्कोर्स थे 8, भाग दिया तो 60, तो मीन 60 है. यानी कि आंकड़े 70, 57, 62, 65, 68, 56, 50, 52 है, इन सबका मीन 60 है. तो हमको डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालना है, यानी मानक से कितना विचलन है, सॉरी माध्य से. तो निकालते चलिए, 70 में से 10 गया, 70 में से 60 गया 10, 57 में से 60 गया -3, ये गलत हो गया है, मैंने पहले ही देख लिया था, ये सही नहीं कर पाई मैं. 62 में से 60 गया 2 आना चाहिए था, या 3 गलती से लिखा है. 65 में से 60 गया 5, 68 में से 60 गया 8, 56 में से 60 गया -4, क्योंकि 60 बड़ा है. 50 में से 60 गया -10, और 52 में से 60 गया -8. ये आपने विचलन निकाली, विचलन कहां से निकालना है, माध्य से. तो ये माध्य से ये अंक इतना इतना विचलन कर रहे हैं, ठीक है. अब चूंकि कुछ माने मतलब आंकड़े, कुछ मान ऋणात्मक है, कुछ धनात्मक है, तो हमने क्या किया, सबका स्क्वायर कर लिया, यानी कि सारे मान किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे. तो सबका स्क्वायर देख लीजिए, 8 8 64 10 100, ऐसे करते करते ये 2 होना चाहिए था ना, तभी यहाँ 2 2 4 है. सारा जोड़ लीजिए 382, यानी कि पहले हमने मीन निकालेंगे, फिर मीन से डेविएशन निकालेंगे, फिर डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, और फिर सबको जोड़ देंगे, तो ये आ गया 382. रख दीजिए फॉर्मूले में. एस डी इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमने क्या निकाला, 382. एन क्या है, 8 है, तो एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट 382 अपॉन 8. तो 8 का भाग इसमें दिया, 47.7 आया, तो इसका वर्गमूल निकाला तो 6.91 आया. अब वर्गमूल तो आपको निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट, बट आपको एक अनुमान लगाने का भी एक आइडिया होना चाहिए. जैसे आप देख लीजिए, 55 जा क्या होता है, मतलब एक अनुमान ना, 47 48 के आसपास संख्या है, तो क्या हो सकता है, 77 जा क्या होता है, 49 होता है ना, 66 जा 36, उससे तो बहुत ज्यादा है, 77 जा 49 है, और ये कुछ 49 से कम है, 48 के आसपास है, तो इसका मतलब वर्गमूल भी कुछ 7 से कम आएगा. तो देखिए 6.91 है, मतलब अगर आपको अनुमान लगा के सिर्फ करना हो तो बिना निकाले भी काम चल सकता है, एग्जैक्ट ना निकालना हो तो. पर वर्गमूल निकालना आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में बार बार वर्गमूल निकालने की जरूरत पड़ती है. तो ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़े के लिए मानक विचलन. यही अब अगर वर्गीकृत आंकड़ा हो तो हम क्या करेंगे, हमको एक एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा. यहां तो हमने एक्चुअली मीन निकाल दिया था ना अवर्गीकृत के लिए. वर्गीकृत में आप एक एज्यूम्ड मीन, मतलब मान लीजिए कि ये माध्य है, फिर हर बार एक्स में से माध्य को घटाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, विचलन मिल जाएगा. फॉर्मूला ये लगेगा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ डी का होल स्क्वायर. एफ क्या है, वर्ग अंतराल की आवृत्ति है, डी क्या है, विचलन है. हर बार हमने आवृत्ति को विचलन से गुणा किया और उसका स्क्वायर कर दिया और सबको जोड़ लिया, उसको हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे दिया, एक मान ये आया. फिर हमने क्या किया, समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन, यानी यहाँ पे हमने सारे एफ डी जोड़े हैं और एन से भाग दिया है और उसका स्क्वायर किया है और इसको इसमें से घटाया है और इन सारे का वर्गमूल निकाला है. देखिए फॉर्मूला बहुत आसान आसान है, लेकिन तब भी अगर आप याद नहीं करेंगे आपको नहीं याद होगा.
समेशन ऑफ एफ डी का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और इन सबका अंडर रूट, जहां एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है और एन क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। देख लीजिए ये आपको कुछ आंकड़े दिए थे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70 और 70 से 80, सबकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 8, 16, 8, 3, तो जोड़ लिया तो 40 आ गया, यानी कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या, मतलब कैपिटल एन स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या है 40। अब हमको एक एज्यूम्ड मीन लेना है ना, तो हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया है आपका 15। अच्छा इसका हमने चूंकि ये 10 से 20 है ना, तो इसका माध्य क्या होगा, ये 15 हो गया, 20 से 30 का मध्यमान या मध्यम अंक क्या होगा 25 हो गया, 30 से 50 का 40, 50 से 70 का 60 और 70 से 80 का 75, क्योंकि घटाना पड़ेगा ना। अच्छा हमने 40 को माध्य मान लिया, एज्यूम्ड मीन, हमारा एज्यूम्ड मीन ए क्या है 40, तो 40 में से 40 किया 0, वैसे भी लगभग बीच का आपको मानना है तो 10 से लेके 80 तक है, तो आपने 40 मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 40 में से 25 गया माइनस 15, मतलब 15 में से 40 गया ना, इसलिए साइन माइनस का है, 15 में से 40 गया माइनस 25, 25 में से 40 गया माइनस 15, 60 में से 40 गया 20 और 75 में से 40 गया 35। हाँ अब क्या करेंगे, f इंटू डी हमको एक बार चाहिए और एक बार हमको चाहिए f इंटू डी का होल स्क्वायर, यही तो चाहिए, तो f से d का गुणा कर दीजिए, 25 जा 125, 15 8 जा 120, माइनस का ही साइन रहेगा, ये हमारा हो गया एफ डी का योग, क्योंकि हमको एक बार एफ डी चाहिए, एक बार हमको चाहिए एफ डी स्क्वायर, तो हम पहले d का स्क्वायर कर लें और फिर उसको f से गुणा कर दें, 125 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा ना, हाँ, और फिर 5 से गुणा कर दीजिए, उसी तरह से 120 का, उसी तरह से 160 का, उसी तरह से 105 का, ये सब आपने कर दिया तो 11,800 ये मान आया। अब आपको सारे मान पता चल गए हैं, अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ डी का होल स्क्वायर अपॉन एन, एफ और समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और एन इज इक्वल टू 40 है, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर क्या है 11,800, यहाँ हमने निकाल दिया ये एफ डी स्क्वायर का समेशन 11,800, फिर समेशन ऑफ एफ डी क्या है 20, देख लीजिए ये एफ डी है और हमने सबको जोड़ा, धन और ऋण है ना, तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घट जाएगी और साइन जिस बड़ी संख्या का लग जाएगा, जो अंक ज्यादा होगा, तो ये धनात्मक मान ज्यादा था तो साइन धन का लगा है, धन का साइन लगाया नहीं जाता है, फिर समेशन ऑफ एफ डी इज इक्वल टू 20 हो गया। अब सिग्मा का मान रख दीजिए, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, एफ डी का होल स्क्वायर ना, तो 11,800 बटे 40 माइनस 20, 20 क्या था समेशन ऑफ एफ डी, एन क्या था 40, 20 बटे 40 का होल स्क्वायर, अब 40 से इसको भाग दे दो, उसमें से इसका जब हल करके लाओगे तो 294.75 यानी अराउंड 300 है, तो ये 17.168 आ गया। इसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर आपको गैस करना हो तो 15 जब 225 होता है ना, 15 का स्क्वायर यानी 15 से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि 225 से ज्यादा है, 16 से भी ज्यादा है ना, 17 से कुछ ज्यादा है, 18 से कम है, तो ये आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, कुछ स्क्वायर याद भी होंगे तो आपको आसानी से पता ही अनुमान लग सकता है कि किससे ज्यादा होगा, कहाँ तक आएगा, आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लिए जरूरी क्या है, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आपको दी रहेगी, उसका मध्यमान आप निकाल लीजिए, ये रहा, फिर एक एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, एज्यूम्ड का मतलब ही है कि मानना, एक आपने कल्पित माध्य हिंदी में बोलते हैं, फिर कल्पित माध्य में से हर बार x माइनस m करिए, 15 माइनस 40, 25 माइनस 40, 40 माइनस 40, 60 माइनस 40, 75 माइनस 40, आपका विचलन आ गया, विचलन को आपको फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है, यहाँ चूंकि सिर्फ गुणा हो रहा है इसलिए साइन माइनस का माइनस में ही है, लेकिन जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो सारे साइन प्लस हो गए, तो एक बार सारा एफ डी जोड़ लीजिए, एक बार सारा एफ डी स्क्वायर जोड़ लीजिए बस, और आपको कोई नहीं चाहिए और आपको एन का मान चाहिए बस, एन इज इक्वल टू 40 है बस, रख दीजिए समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, कहाँ स्क्वायर है, कहाँ होल स्क्वायर है, कहाँ अंडर रूट है, कैसे क्या करना है, बॉड मास के नियम है ना, अब जाकर आपसे सवाल लगेंगे, और जब आप बड़े बड़े सवालों के सही सही जवाब निकालने लगेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक, तो हम लोगों ने ये भी सीख लिया मानक विचलन कैसे निकालते हैं। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक टू, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन, आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।